आज हम बात करेंगे सिंगरौली ज़िले में बाज़ारों की। जहाँ जहाँ बाज़ार लगते हैं वहाँ आम बात हो गया है आज के डेट में मोबाइल चोरी, पर्स चोरी, जिसकी आज हम एक जीती जागती तस्वीर आपको दिखाएंगे कि एक चोर कैसे दुकान में घुसता है, दुकान वाला सामान दिखाता है ग्राहक को और वह दुकानदार का मोबाइल वहीं से गायब हो जाता है और वह दुकानदार शक करता है अपने कस्टमर पे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ आज यह देखने को मिली कि उस दुकान में मुश्किल 3 से 4 सेकंड के लिए एक व्यक्ति गया और मोबाइल निकाल कर उसका इतनी तेज़ी से भागा कि पूछिए मत। आप वीडियो में देखें इस शख्स को जो दुकान से मोबाइल चोरी करके भाग रहा है। किसी को अंदाज़ा तक नहीं कि उसके दुकान से यह मोबाइल चोरी करके भाग रहा है। यहाँ तक कि दुकान वाले को भी नहीं मालूम था कि यह शख्स उसके दुकान से मोबाइल लेकर भाग रहा है, क्योंकि इस दुकान वाला जो व्यक्ति है वह दुकान में बैठे ग्राहक को कपड़ा दिखा रहा था। बहरहाल इन दिनों सिंगरौली ज़िले में जहाँ जहाँ भी बाज़ार लगता है वहाँ पर यह गमछा और झोला छाप लोग हमेशा सक्रिय नज़र आते हैं। किसी न किसी का मोबाइल ज़रूर चोरी कर लेते हैं। इनकी खास निशानियाँ हैं गले में गमछा और हाथ में झोला। यह हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। यह कब आते हैं, कहां से आते हैं, किसी को नहीं मालूम है, लेकिन इनका ठिकाना जहां जहां बाज़ार लगता है वहीं वहीं इनका ठिकाना रहता है। चलिए देखते हैं यह कब तक पकड़ाता है। बहरहाल इस व्यक्ति को देखिए, यह मोबाइल चोरी करके कैसे भाग रहा है। यह चोरी गुरुद्वारा रोड में एक कपड़े के दुकान में हुई है। यह पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई। इस चोर को देखिए और पहचानिए। यह चोर हर संडे को यहाँ पर आकर आतंक फैलाते हैं। बहरहाल इस चोर को देखिए कि किस तरह मोबाइल चोरी करके भाग रहा है। पोल होल पोस्ट पर हमारे साथ बने रहने के लिए नीचे दिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बगल में दिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी नई अपडेट आपको समय समय पर